नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष आशीष की बगिया चैनल से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा खास है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक औषधि पौधे के बारे में, जिसे इंसुलिन के पौधे के नाम से जाना जाता है। इस पौधे का नाम इंसुलिन इसलिए है क्योंकि अगर आप इसकी पत्तियों को चबाते हैं तो हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इस कारण यह जो है शुगर के मरीजों के लिए लाभदायक है। प्लांट के बारे में काफ़ी रिसर्च हुई है और चल भी रही है। एक तरह से प्राकृतिक रूप से जो है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको, उनके रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको कम कर देता है। और काफ़ी समय से इंसुलिन नामक पौधे की जो चर्चा है वो काफ़ी आजकल तेज़ हो गई है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में डिटेल जानकारियाँ। आप देख रहे हैं वीडियो में बड़ा खूबसूरत पौधा है। और इस पौधे की बनावट की बात करें तो इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और जो पत्ते होते हैं स्पाइरल तरीके से शाखाओं पे लगे होते हैं। आप इसका फ्लावर देख रहे हैं, ये फ्लावर मेच्योर डाल पे फ्लावर आया हुआ है। ये फ्लावर भी बड़ा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। तो आप इन्हें जो है अपने घरों में आर्नामेंटल पौधे के रूप में भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे एज ए मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप घर में लगाते हैं तो इसे आपके घर की सुंदरता ही बढ़ेगी और आपके घर में जो बीमारियाँ हैं उनको कंट्रोल करने में भी सहायता मिलेगी। इस पौधे की सहायता से, इसकी पत्तियों की सहायता से काफ़ी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जा रही हैं जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, शुगर के पेशेंट के लिए रामबाण साबित होती हैं। आप इनके पत्तों को, जो अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो इनके पत्तों का खाली पेट सेवन कर सकते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर की देखरेख में। शुगर के पेशेंट जो हैं इसकी पत्ती को चबाकर खाली पेट चबाएँ और ऐसा कहा जाता है कि रोज़ाना इसका सेवन करने से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करने में हेल्प मिलती है। बात करते हैं कि आप इस पौधे को कैसे लगा सकते हैं। तो ये पौधा जो होता है वो दोस्तों जिंजर फैमिली से रिलेटेड है। जिंजर फैमिली से मतलब ये है कि आप इसे आसानी से जो राइजोम होता है या फिर कटिंग से लगा सकते हैं। राइजोम जैसे अदरक की गांठ होती है वो राइजोम कहलाती हैं। आप ये नीचे देखिए, ये नए नए प्लांट्स निकल रहे हैं, इससे आप उनको अलग करके भी लगा सकते हैं। और ये करीबन 3 से 4 फीट तक बढ़ता है। और अगर आप इसे गमले में लगाना चाह रहे हैं तो आप इसे 10 से लेकर 14 इंच के गमले में लगाइए। ये देखिए नए नए प्लांट निकलते हैं, इन प्लांटों को आप अलग कर दीजिए और नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा सख्त पौधा है तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से आप इसे पानी दे सकते हैं। और आप इसे ऐसी जगह में लगाइए जहाँ मॉर्निंग की कुछ घंटे की धूप आती हो, ज़्यादा इसे धूप की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं दोस्तों कि इस पौधे को कब लगाएँ। वैसे आप इसे कभी भी लगा सकते हैं, बट बरसात का समय जो होता है इस पौधे को लगाने का सबसे उत्तम समय माना गया है। और यह मौसम जो होता है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है किसी भी कटिंग को लगाने के लिए। अगर दोस्तों आपको ये पौधा नहीं मिल रहा है, तो आप कटिंग नहीं मिल पा रही है, तो आप नर्सरी से इस पौधे को ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे है। तो सबसे पहले कोई मीडियम आकार का गमला लीजिए और जो आप कटिंग लेंगे उस समय आप ऐसी टहनी का चुनाव करें तो जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ना हो ना ज़्यादा हार्ड हो। और जब भी आप ये, इसका फ्लावर देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैं इसकी आपको कटिंग दिखाता हूँ, इसकी डाल दिखाता हूँ। तो जो भी कटिंग लेंगे हमेशा टहनी को थोड़ा 45 डिग्री के एंगल पे काटिए और नीचे की तरफ की जो भी उसमें लीव्स हैं उन लीव्स को हटा दीजिए। और पॉटिंग मिक्स के रूप में आप इसमें जो है आधी मिट्टी और आधी खाद ले लीजिए, बेस्ट है। पौधे को जब भी आप कटिंग लगाएंगे तो उसमें सीधी धूप नहीं लगने दीजिए और उसको जो नियमित रूप से आप पानी दीजिए तो 2 से 3 हफ्तों में कटिंग जो है वो डेवलप होने लगेगी। और जब तक ये डेवलप ना हो जाए उस पौधे को आपको धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। कुछ ही महीनों में आपका ये पौधा बढ़ने लगेगा, इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो महीने में एक बार कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के की कई सारे ज़िलों में इस पर इसकी खेती हो रही है और वहाँ पर इसका रिसर्च भी चल रहा है। तो काफ़ी रिसर्च के बाद जो है अभी इस वैज्ञानिकों को सफलता मिली है और इसकी पत्तियों से अब जो है मेडिसिन भी तैयार की जा रही है जो कि एक तरह से रामबाण साबित हो रही है शुगर के पेशेंट के लिए। जैसे मैंने बताया कि आप इसकी पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं खाली पेट। इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर भी बनाया जाता है जो कि आगे दवाइयों के रूप में भी काम आता है। और एक तरह से ये अदरक की प्रजाति का पौधा है और प्लांट जो है इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और गर्मी के सीजन में आप इसे काट कर सुखाने के लिए रख सकते हैं। फिर जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बन रही हैं उनमें इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है और जो आयुर्वेदिक फार्मेसियाँ होती हैं उनमें काफ़ी इसकी डिमांड भी होती है। जो इसके पत्ते हैं आप देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी चौड़े पत्ते होते हैं, थोड़ा साइनिंग होती है, पहचान है इसकी। पत्ते साइनिंग होंगे, चौड़े होंगे
ये देखिए काफ़ी लंबे लंबे पत्ते होते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाता है इसकी डाल, तो इसमें फ्लावरिंग भी आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका नया प्लांट है जो अभी नया निकल रहा है, तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी अलग कलर की हैं, तो इसे अपने गार्डन में जगह दीजिए। इस पौधे में कोई बीमारी नहीं लगती है, थोड़ी बहुत पत्तियाँ जो है सीजन के हिसाब से टिप इनकी जो है धूप की वजह से हो जाती है ख़राब, बाकी इनमें कोई बीमारी नहीं लगती है। तो ये देख रहे हैं आप, ये इसकी जो स्टेम है वो इस कलर की होती है, पहचान है इसकी, आप पहचान लीजिए अच्छी तरह से। अगर आपको किसी पौधे में, क्योंकि एक खरपतवार होता है वो भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता होता है, बट उसका स्टेम जो है इस तरह का नहीं होता है, ना कि पत्तियाँ ही इतनी बड़ी होती हैं, लेकिन पत्तियों का जो बनावट है आकार वैसा दिखाई पड़ता है। तो ये पहचान लीजिए आप, और नर्सरी से इस पौधे को ज़रूर लाइए। और अगर आपको शुगर नहीं है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, ये अन्य बीमार मतलब आपको उससे दूर रखेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।